सभी को नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BLSF यानी कि बाबूलाल सोरेन फुटबॉल एकेडमी टीम के स्क्वाड के बारे में। इससे पहले टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के टीम के स्क्वाड के बारे में जानकारी दिए हैं। अभी तक आपने टाटा मोटर्स और टाटा स्टील का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स का वीडियो जरूर देखेगा ताकि पता चल जाए कि इस सीजन टाटा स्टील और टाटा मोटर्स टीम में कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग इस बाबूलाल सोरेन फुटबॉल एकेडमी टीम में कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो इस सीज़न बाबूलाल सोरेन फुटबॉल एकेडमी टीम ने गुमला के कुछ प्लेयर को साइन किया है। सबसे पहले हम लोग गुमला के प्लेयर के बारे में जानेंगे कौन कौन से प्लेयर गुमला से हैं। इसके बाद हम लोग सारे स्क्वाड के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा जरूर ताकि आपको पता चले कि इस सीज़न BLSF टीम से कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो BLSF टीम ने गुमला से 5 प्लेयर को साइन किया है। हर्षित बारा, प्रकाश बरला, सूरज बरला, राजू हंसता और पवन यादव। और ये सभी प्लेयर आपको गुमला FC में खेलते हुए नज़र आएंगे। और BLSF ने 2 गोलकीपर साइन किया है, बासित बेसरा और लक्ष्मीराम मंडी। और बासित बेसरा की अगर बात किया जाए ये जो है लोकल टीम में रिमिक्स से जमशेदपुर टीम में खेलते हुए नज़र आते हैं और पिछले सीजन झारखंड ऐसी टीम से जैसे लीग खेले थे। और लक्ष्मीराम मांडी की अगर बात किया जाए ये जो है कोलकाता लीग वगैरह खेल चुके हैं और इसको हम लोग लक्की के नाम से भी जानते हैं। और डिफेंस में खेलते हुए नज़र आएंगे प्रधान हस्ता, मानसिंह मुर्मू, गुमन सिंह, पवन यादव, कृष्णा हेम्ब्रम और इंद्रजीत ओराम। प्रधान हस्ता मानसिंह मुर्मू, गुमन सिंह और पवन यादव जो है स्टॉपर के रूप में आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। और कृष्णा हेम्ब्रम और इंद्रजीत ओराम जिसको हम लोग गुजू के नाम से भी जानते हैं वो लोग आपको फुलबैक में खेलते हुए नज़र आएंगे। प्रधान आस्था की अगर बात किया जाए ये जो है लोकल टूर्नामेंट में जर्मन 11 डोबो टीम से आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। और मानसिंह मुर्मू की अगर बात किया जाए ये जो है लोकल टूर्नामेंट में यंगस्टर चांडिल टीम से खेलते हुए नज़र आएंगे। और मानसिंह मुर्मू जो है पिछला सीजन जैसे लीग दलमा टाइगर टीम से खेलते हैं। और गुमन सिंह की अगर बात किया जाए ये जो है बारीपदा साइड ज़्यादा फुटबॉल खेलते हैं। और पवन यादव की अगर बात किया जाए पवन यादव जो है गुमला FC से आपको लोकल टूर्नामेंट में खेलते हुए नज़र आएंगे और ये जो है इस सीज़न आपको BLSF टीम से खेलते हुए नज़र आएंगे। और कृष्णा हेम्ब्रम की अगर बात किया जाए ये जो है लोकल टूर्नामेंट में आपको जर्मन 11 डोबो टीम में खेलते हुए नज़र आएंगे। और इंद्रजीत ओराम जिसको हम लोग गुजू के नाम से भी जानते हैं और वो जो है पिछला सीजन भी जैसे लीग BLSF से खेले थे और ये जो है लोकल टूर्नामेंट में DC चांडिल की ओर से खेलते हुए नज़र आएंगे। और आपको मिड में खेलते हुए नज़र आएंगे किस्टो हंसता, माकू हंसता, छोटू हंसता, राजू हंसता, परेश मुर्मू, रामचंद्र माझी, हर्षित बरला और प्रकाश बरला। किस्टो हंसता की अगर बात किया जाए ये जो है पिछला सीजन झारखंड ऐसी टीम से जैसे लीग खेले थे और ये जो है लोकल टूर्नामेंट किंगफिशर FC से भी खेलते हैं और ये जो है घाटशिला साइड के प्लेयर हैं। छोटू हंसता की अगर बात किया जाए ये जो है MMC शंकरपुर टीम से आपको लोकल टूर्नामेंट खेलते हुए नज़र आएंगे और ये जो है पिछला सीजन जमशेदपुर बॉयज़ क्लब टीम से जैसे लीग खेले थे। और माकू हंसता की अगर बात किया जाए ये जो है लोकल टूर्नामेंट में रिमिक्स जमशेदपुर टीम से खेलते हुए नज़र आएंगे। परेश मुर्मू जो है लोकल टूर्नामेंट में BTMC हाड़तोपा टीम से आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। और रामचंद्र माझी की अगर बात किया जाए ये जो है ऑलराउंडर प्लेयर है, ये जो है पिछला सीजन टाटा मोटर्स से जैसे लीग खेले थे। और हर्षित बरा की अगर बात किया जाए ये जो है गुमला साइड के प्लेयर हैं और ये जो है BLSF में की प्लेयर साबित हो सकते हैं और काफ़ी यंग प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। देखते हैं इस सीजन BLSF टीम से किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और प्रकाश बरला की अगर बात किया जाए ये भी गुमला FC के ही प्लेयर हैं, मतलब ये भी हर्षित बरला के ही टीममेट हैं। और राजू हंसता की अगर बात किया जाए ये जो है सरायकेला साइड के प्लेयर हैं लेकिन गुमला टीम से आपको लोकल टूर्नामेंट में खेलते हुए नज़र आएंगे। और आपको फॉरवर्ड सेक्शन में खेलते हुए नज़र आएंगे मनोहर बोद्रा, फिरदौस खान, राजू गुया, बेताल लकवा और सूरज बरला। सूरज गुया की अगर बात किया जाए ये जो है ऑलराउंडर प्लेयर हैं, मिड में और विंग में या फॉरवर्ड तीनों जगह अच्छे से खेल लेते हैं। मनोहर बोद्रा की अगर बात किया जाए ये जो है लोकल टूर्नामेंट में आपको रिमिक्स जमशेदपुर टीम से खेलते हुए नज़र आएंगे और पिछला सीजन में ये BLSF टीम से जैसे लीग खेले थे। और फिरदौस खान की अगर बात किया जाए ये जो है पिछला सीजन जैसे लीग टाटा स्टील टीम से खेलते हुए नज़र आए थे और इस सीज़न BLSF टीम से खेलते हुए नज़र आएंगे और ये लोकल टूर्नामेंट में रिमिक्स जमशेदपुर टीम से खेलते हैं। और बेताल लकवा की अगर बात किया जाए ये जो है लोकल टूर्नामेंट में बदमंडा टीम से खेलते हुए आपको नज़र आते हैं और काफ़ी स्पीडी प्लेयर हैं।
और इस सीजन BLSF के लिए खेलने वाले हैं, तो किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। और सूरज बरला की अगर बात किया जाए जो है गुमला FC के ही प्लेयर हैं और ये फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छा फिनिश करते हैं। तो BLSF ने यही सब प्लेयर को ही साइन किया है जो इस सीजन आपको BLSF टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। और अभी तक BLSF ने 21 प्लेयर को ही साइन किया है और एक प्लेयर का आना बाकी है, जैसे ही आ जाते हैं उनका मैं अपडेट आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @sportbro09। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि BLSF टीम में कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।